उत्तराखंड की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को इस्तीफा सौंपा है। इस दौरान धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। वहीं पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल ने उनसे राज्य में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने एवं पदभार ग्रहण करने की अवधि तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि आपकी केंद्र से बात हुई या नहीं, उन्होंने कहा कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और जो पार्टी ने मुझे काम दिया उसको मैंने जिम्मेदारी से निभाया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि सामान्य कार्यकर्ता को जिसका काम नहीं था उसको पार्टी ने मुख्य सेवा का काम दिया था। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूं। मेरी आलाकमान से अभी किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था, उसको पार्टी ने मुख्य सेवक का काम दिया और जो काम मुझे दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है। इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।